50 किलोमीटर दूर है और टायर पंचर हो गया। ये आप देख सकते हो पंचर बन रहा है, अभी पंचर बनाएंगे और निकलेंगे। सो हाय दोस्तों, क्या हाल है आप सबका, वेलकम टू माय चैनल बी बाइक द किड। तो आज बहुत टाइम बाद हम लोग एक ट्रैवल व्लॉगिंग करने वाले थे। लास्ट ट्रैवल व्लॉगिंग हम लोग ने की थी अप्रोक्सीमेटली मार्च 2019 में, जब हम लोग मनाली और शिमला गए थे। टाइम हो रहा है 3:45 रात या सुबह के, बोल सकते हैं सुबह के 3:45 हो रहे हैं और हम लोग अभी 4 बजे हमारा टारगेट है कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट ले ले। ये देखो बुरानो दिन, चलो जाना उड़िया, अरे उड़ जा। तो लास्ट जो मेरा ट्रैवल व्लॉग था मनाली या शिमला मनाली का, उसमें हम लोगों ने काफी चीजें की थी, जैसे कि बुरानो दिन ने पैराग्लाइडिंग की थी, रिवर राफ्टिंग की थी, बंजी जंपिंग की थी, मिलिट्री नेट की थी और जिप लाइनिंग की थी, बहुत सारी चीज़ें की थी एक्साइटिंग। सो आइए देखते हैं ये ट्रिप में वो क्या क्या एक्साइटिंग करेगा और आपको देखने मिलेगा, आपको पूरा व्लॉग डे वाइज हम लोग बताएंगे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइज ये ट्रिप में, तो फटाफट से ये ट्रिप को स्टार्ट करते हैं और एक्साइटमेंट लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। चले तो देख सकते हो साइकिल्स को हम लोग ने अंदर रख दिया है मस्त एकदम। सो गाइस 222 किलोमीटर्स हो चुके हैं, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं। काफ़ी अच्छा रोड था और काफ़ी अच्छे टाइम में हम लोग ने ये डिस्टेंस कवर किया। सो राइट नाउ इट्स 7:30, हम लोग ने 4:15 को एग्जैक्ट घर छोड़ दिया था, तो काफ़ी अच्छे टाइम में काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर किया और रोड भी काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ गया ड्राइविंग करने की। और अभी चलो नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं टूवर्ड्स तरकल्ली। अभी लंच ब्रेक लेंगे एक, दैट्स इट, और तारकंदी पहुंचेंगे। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइज हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं गगन बावड़ा के घाट पे और ये इतना ब्यूटीफुल व्यू है कि मैं आपको दिखाने से, मतलब मैं मुझसे रहा नहीं गया कि आपको दिखाना ही दिखाना है करके। तो देखिए आप देख सकते हो मंकीस बैठ के हमें देख रहे हैं। ये लेगा, ये ले का करूं, अरे इधर है, इधर इधर है। हाँ कैसा लगा आपको लड्डू? हाँ मामा मिया, चलो बाय 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 बोल दे बुरान। बाय बाय। सो तरकल्ली से हम लोग सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और टायर पंचर हो गया। ये आप देख सकते हो पंचर बन रहा है, अभी पंचर बनाएंगे और निकलेंगे। ओ, 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 कितना टाइम लगेगा तरकल्ली पहुंचने को? नहीं पता कितना, 50 किलोमीटर बाकी है तो कितना टाइम लगना चाहिए? 5 आवर्स। 50 किलोमीटर
1 hour. So guys, it's 5 o'clock और 5 बज गए और हम लोग पहुँच चुके हैं तरकरली. तरकरली पहुँच चुके. ये पीछे आप देखोगे ना, ये जो है एंट्री है, बीच का एंट्री है. और अभी हम यहाँ पे रूम देखेंगे और रूम लेंगे. रूम हमने बुकिंग नहीं किया था, रूम यही आके हम लोग फाइंड करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट रूम हंटिंग. तो गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को मैंने आपको रूम टूर मतलब रूम को दिखा दिया था. नॉर्मल रूम है, होम स्टे जैसा. ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये बेसिकली ये रूम है. बट ये रूम लेने का एक मेजर रीज़न ये है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ. वेट. ये जो रीज़न है वो मेन रीज़न है कि रूम के जैसे ही बाहर निकलोगे आपको सी दिखेगा, आपको ये दरिया दिखेगा और काफ़ी अमेजिंग व्यू है. और डायरेक्ट आप बीच पे ही एंटर करते हो. तो गाइस ये है अपना रूम और ये है बीच. तो ऐसा ही कुछ चाहिए था मुझे बेसिकली रहने के लिए, तो मैंने ये सिलेक्ट किया. रूम जो है वो काफ़ी नॉर्मल है, ऐसा कुछ ज़्यादा लग्जरियस नहीं है. और रूम का कॉस्ट भी काफ़ी रीज़नेबल है. इट्स ओनली 1500 रुपीज़.